अगर आप ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के रूल्स में कुछ बदलाव किया है। टिकट कैंसिल करने से पहले बदले नियमों को ठीक से जान लेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आजकल ज्यादातर लोग रेलवे टिकट बुकिंग के लिए IRCTC ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार यात्रा का प्लान बना लेने, टिकट की बुकिंग करा लेने के बाद भी हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है, जिस पर रेलवे कुछ प्रतिशत काट कर पैसा रिफंड करता है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन के डिपार्चर से 2 घंटे पहले अगर आप जनरल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको प्रति टिकट 60 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करने पर आपको 120 रुपये बतौर कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। साथ ही AC चेयर कार थर्ड AC टिकट का टिकट कैंसिल करने पर आपको 180 रुपये कैंसिल करना होगा। वहीं सेकेंड AC का टिकट कैंसिल करने पर आपको 200 रुपये देने होंगे और फर्स्ट AC एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल करने पर आपको 240 रुपये शुल्क देना होगा। रेलवे AC क्लास का टिकट कैंसिल करने पर यात्री से GST शुल्क भी वसूला जाता है। वहीं स्लीपर जनरल क्लास के टिकट पर आपसे किसी तरह का GST नहीं देना होगा। ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 दिन से लेकर 12 घंटे तक टिकट कैंसिल करने पर आपको 25% का फुल टिकट का शुल्क काटा जाएगा। वहीं 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर आपको टिकट का 50% शुल्क काटा जाएगा। इसके साथ ही अगर 4 घंटे के अंदर अगर आपने टिकट कैंसिल किया तो आपको किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। RAC टिकट में आप 30 मिनट पहले भी कैंसिल करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।